हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पब्लिक फैसिलिटीज चैप्टर 9। और ये एक क्लास 8 का सिविक्स का एक चैप्टर है आपके सिविक्स बुक का। और इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहला पार्ट हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके बारे में पूरी बात करेंगे और हाफ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग कंक्लूजन पर आएंगे और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको वाटर ना मिले, पानी ना मिले, तो आप कितने दिनों तक सरवाइव करेंगे? हो सकता है मुश्किल से 4 या 5 दिन। और या फिर अगर आपको खाना ना मिले तो आप कितने दिनों तक सरवाइव करेंगे? या फिर इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइफ को हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते आज के टाइम पर। और होम जो इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको रहने के लिए जगह ना मिले कहीं, या फिर कोई ऐसी जगह ना मिले जहाँ आप सेफली रह सकें, तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे? और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इन चारों चीज़ों के बिना हमारी ज़िंदगी इम्पॉसिबल है, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं बेसिक नीड। हाँ, बेसिक नीड, ये है बेसिक नीड्स। या फिर मैं एक और बार इनको समझा दूँ तो बेसिक नीड्स वो नीड्स होती हैं कि जिनके बिना हम लोग ना सरवाइव कर सकते हैं और ना ही इस दुनिया में रह सकते हैं। हाँ, यस, जो अभी आपको एग्जांपल मिला वो एकदम सही है। बेसिक नीड वो नीड है जिनके बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं, जैसे कि खाना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी या फिर होम, एक सेटल्ड होम। और इनमें में से मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बेसिक नीड्स में आपके जो प्राइमरी थिंग्स हैं वो हैं इलेक्ट्रिसिटी, फूड और वाटर। और इसके बाद फिर आपके होम हैं, और टर्शरी या फिर थर्ड लेवल में आते हैं आपके रोड्स, बिल्डिंग्स, एम्प्लॉयमेंट, ये सब। पर बेसिक नीड, प्राइमरी बेसिक नीड है फूड, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कि हमें बेसिक नीड प्रोवाइड कौन करवाएगा, क्योंकि बेसिक नीड की ज़रूरत तो सबको है, और ऐसा कौन है जो हमारे लिए हमारी बेसिक नीड को पूरा करेगा? तो इसका बेटर आंसर होगा और बेस्ट आंसर होगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, या फिर वो नेता जिन्हें हम लोगों ने चुनकर भेजा है, और या फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारी तरफ से हमारे प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में या फिर कहीं भी हमारी प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करेंगे और उसका हल निकालेंगे, उसे हमें प्रॉब्लम से हमें मुक्ति देंगे, क्योंकि हम ही ने उन्हें चूज किया है सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए, और जिससे हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो सके। और इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर की ओर मूव करते हैं। सब कुछ समझ में आ रहा है या फिर मैं वैसे ही बोल रहा हूँ? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ लो। ओके, पब्लिक फैसिलिटीज चैप्टर 9। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे चेन्नई में अन्ना नगर और सेडापेट, इन सब जगहों में कैसे पानी की कमी है और कहाँ कहाँ पानी सफिशियंट है और उससे ज़्यादा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अन्ना नगर, जहाँ पर राम गोपाल हैं वो अपने नौकर से कार धुलवा रहे हैं और कितना सारा पानी वो वेस्ट कर रहे हैं। और वहीं सेडापेट, जहाँ पर पद्मा पानी के लिए लाइन में लगी हैं और कई सारे बकेट्स, मटके, डिब्बे रखे हुए हैं पानी के लिए, वैसे ही यहाँ पर मणिपक्कम में पानी का एक बॉटल रखी हुई है, बड़ी बड़ी आर ओ वाटर्स बॉटल, और यहाँ पर फैन है, टेलीविज़न है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ हैं। वहीं मैलापुर में वाटर टैंकर्स बहुत देर बाद आते हैं और वहाँ पर पानी की कमी है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि मिस्टर राम गोपाल जो हैं वो अन्ना नगर में है चेन्नई में, और उनके पास, वो बंगलों में रहते हैं, उनके पास काफ़ी पैसा है और उनके पास एक टैप वाटर की फैसिलिटीज़ है, वो जितना चाहे पानी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वाटर एंड दी पीपल ऑफ चेन्नई। तो हम लोगों ने यहाँ ड्राइंग पर देखा कि जो राम गोपाल हैं वो एक बड़े से बंगलों में रहते हैं और उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है। और वैसे ही यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जैसे पद्मा, उनके पास पानी की बहुत कमी है और उन्हें पानी नहीं मिलता है, जैसे सुब्रमण्यम, उनके घर टैंकर से पानी आता है और वो हर महीने 500 से 600 रुपए पानी खरीदने के लिए वेस्ट करते हैं।
वीडियो लेक्चर में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि आपको जिस पॉइंट पर भी मेरी बात ना समझ में आए आप उसे बैक कर सकते हैं, मैं वो फिर से बोलूँगा, या फिर आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपको वो टॉपिक समझ में आ गया है। आप फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, और आप जो चाहें वो कर सकते हैं अपने एजुकेशनल लेवल के हिसाब से। और अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं msp178@gmail.com पर, और मैं आप सभी को 24 आवर्स के अंदर पक्का उसका आंसर दे दूंगा और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर दे दूंगा। या फिर अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर पर आते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बोरवेल में 20 बोरवेल से पानी सिर्फ और सिर्फ आता है 20 मिनट ट्वाइस डेली पद्मा के घर पर। पद्मा को पानी लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, और उसके पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का टाइम रहता है पानी लेने के लिए। और इसमें के लोगों को बहुत ज़्यादा आवर्स के लिए, बहुत ज़्यादा पानी के लिए वेट करना पड़ता है कई घंटों के लिए कि जब टैंकर आएगा तब उन्हें पानी मिलेगा। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है वाटर एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। जैसे कि हम लोगों को पता है कि पानी हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि किसी दिन आप पानी ना पीजिए तो आपको पानी की अहमियत पता चल जाएगी। सो वाटर हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत प्रीशियस है, और उससे हमारी हेल्थ भी बनती है, और पानी के बिना हमें कई सारी बीमारियां हो सकती हैं जैसे डायरिया, डाइसेंट्री, कॉलरा एक्सेट्रा। और करीब 1600 बच्चे हमेशा बीमार पड़ते हैं इंडिया में पानी की कमी से या फिर गंदे पानी पीने की वजह से। सो इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक साफ सुथरा पानी मिले, और वो हमें डेली मिले हमारे नीड के अनुसार। इसी वजह से कि यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया गया है महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जहाँ पर कई लोगों को प्रॉब्लम होने लगी कि उन्हें पानी नहीं मिलता था। इसी वजह से कई लोगों ने कोर्ट केस कर दिया आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में, और आखिर में जजेस ने वहाँ के जो कलेक्टर थे, वहाँ के जो DM थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्हें ऑर्डर दिया गया कि आप 25 लीटर्स ऑफ वाटर हर एक पर्सन को विलेज में पहुँचाएं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 लीटर्स शायद आप नहाते वक्त भी उतना इस्तेमाल ना करें, आपके लिए शायद 25 लीटर कम पड़ जाए, क्योंकि जो बकेट आप इस्तेमाल करते होंगे वो मेरे हिसाब से 30-40 लीटर्स की होगी, क्योंकि वो एक एवरेज बकेट वैल्यू है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक फैसिलिटीज़। सो पानी ही हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पर उसके अलावा भी हमारे लिए और भी कई चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और सैनिटेशन फैसिलिटीज़। सैनिटेशन मतलब फिर गार्बेज, और जो आप सीवेज यूज़ करते हैं, सीवर्स या फिर नदी नाले, इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और इन्हें हम कहते हैं सैनिटेशन। और इसके बाद इन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं, जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवाती है एज देयर वर्क। इसमें हम लोगों ने ये जान लिया अब तक कि फंडामेंटल राइट्स वाटर के लिए भी बने हुए हैं, वाटर हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, और चेन्नई के कुछ एग्जाम्पल्स से हमें पता चला कि कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर वाटर इनफ है और कई जगहों पर वाटर मिल ही नहीं रहा है। और अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है द रोल ऑफ गवर्नमेंट, या फिर द गवर्नमेंट्स रोल। इसमें गवर्नमेंट आखिर करेगी क्या, इन सब चीज़ों के बारे में, और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। हम लोग सोचें कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं और फैसिलिटीज़ वो कौन उपलब्ध करवाएगा, कौन प्रोवाइड करवाएगा, तो एक ही वर्ड आता है हमारे दिमाग में, गवर्नमेंट, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जिन पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी चुनी गई सरकार होती है, हमारी चुनी गई गवर्नमेंट होती है। और इसके बारे में हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं द स्टोरी ऑफ ए शर्ट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे एक प्रोसेस होता है शर्ट मेकिंग का, कैसे वहाँ पर बनाया जाता है शर्ट,
वीवर्स, वुलन मेकर्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था स्टेप बाय स्टेप। अब इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बेसिक नीड के बारे में। और यही हमारी बेसिक नीड को पूरा करती है हमारी गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट हमें इंश्योर करती है कि हम चाहे जहाँ भी हैं इंडिया के अंदर, अगर हम इंडिया के लोकेशन में हैं, कहीं भी हैं, तो हमें पानी, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर रोड्स, ये सब हमारा हक है। हमें ये सारी चीज़ें चाहिए और ये ज़रूर ही चाहिए। इसमें कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि ये आपको नहीं मिल सकता है, आपके पास पैसे नहीं हैं, चाहे जो भी हो, पैसे हों चाहे ना हो, हमें पानी, खाना और रोड्स, ये तीनों चीज़ें, फैसिलिटीज़ हमें मिलना इंश्योर है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। हाँ, पर अगर आपको कोई टैंकर से, गवर्नमेंट टैंकर से, जो नीले रंग का जंग लगा हुआ टैंकर से अगर आपको पानी नहीं पीना है, तो आप पैसे लगा के बिसलेरी खरीद सकते हैं। पर उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो जंग लगा टैंकर से भी जो पानी आता है, वो भी उन लोगों के लिए मिनरल वाटर से कम नहीं रहता है। सो आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको अपनी बेसिक नीड्स को भुलाकर, एक लग्जरी लाइफ को भुलाकर, आपको एक बेसिक लेवल से सोचना पड़ेगा। इससे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इसके बाद जैसे कि ये टीकाकरण या फिर जो हम लोग कहते हैं वैक्सीनेशन, ये सब भी इम्पॉर्टेंट रहता है, जिससे हमारी जो बेसिक नीड है वो पूरी हो सके, क्योंकि हमारी हेल्थ भी एक बेसिक नीड में आती है। यहाँ पर जैसे कि आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी आपकी एक बेसिक नीड है, क्योंकि उसके बिना आपकी लाइफ शायद अधूरी हो। बसेस और मेट्रोस, ट्रेन्स, ये सब आपको गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवाई हैं, और इन्हीं सब चीज़ों से शायद आप ट्रैवल भी करते होंगे अभी के समय में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल। लोगों को ये पढ़ना है, चेन्नई का हम लोगों ने एग्जाम्पल पहले भी देखा था और अब भी हम लोग देख रहे हैं, और इसे ही हम लोगों को पढ़ना है। तो इस पॉइंट को, और फिर इसके बाद हम लोग कंक्लूजन और क्वेश्चन आंसर का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल सकता है। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच अनदर वीडियो। तब तक इस पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, और इस पार्ट को और कंक्लूजन और क्वेश्चन आंसर को भी हम नेक्स्ट ही पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको क्लास 8 में ऐसी कई सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। और इसके बाद दूसरा भी पार्ट है, उसको भी देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। हाँ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हर दिन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।